When we look at a computer, we see text, images and shapes. As we all know, जब भी हम कभी भी कोई भी कंप्यूटर खोलते हैं, सबसे पहले हमें टेक्स्ट, इमेजेस और शेप्स दिखाई देते हैं, ठीक है? This right now you are using a computer. अभी लोगों को ये तो पता होता है कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती है, बट मैं आपको इधर क्लियर कर दूँ, कंप्यूटर, सो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? सो मे बी इट्स अ लैपटॉप, मे बी अ डेस्कटॉप कंप्यूटर और परहैप्स इवन अ स्मार्टफोन. यस, तो कंप्यूटर आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है एंड आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है. दे मे लुक डिफरेंट, वो देखने में अलग आपको लग सकते हैं, बट क्या आपको पता है दे ऑलवेज शेयर द सेम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी. द मोर वी अंडरस्टैंड, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जैसे जैसे जानने की कोशिश करेंगे, द मोर वी अंडरस्टैंड हाउ दैट टेक्नोलॉजी वर्क्स, द मोर वी कैन यूज द कंप्यूटर्स अराउंड अस टू मेक अस अवर वर्ल्ड बेटर. ओके, तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने बोला है कि कंप्यूटर के 3 वर्जन होते हैं जो हमने यहाँ पे देखा है. बट क्या कंप्यूटर नहीं था तो तब भी क्या हमारा वर्ल्ड मतलब चलता नहीं था, या किस तरीके से हम काम करते थे? बेसिकली अगर हम एडवांसमेंट की बात करते हैं तो उसके पीछे भी हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए. सो लेट्स हैव अ क्विक व्यू कि पहले किस तरीके से काम होते थे और किस तरीके से अब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हुई है और किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस हुई हैं और हमारी बेसिकली स्पीड बढ़ी है, वे ऑफ यू नो लाइक काम को करने का वे चेंज हुआ है. सो जो काम निकल के आता था वो बहुत ही प्रोडक्टिव वे में निकल के आया है. सो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि दीज आर द थिंग्स. ये जो सारा काम है बेसिकली हमारा मैनुअल वर्क के अंडर आता है. बेसिकली आप देखेंगे तो पहले प्रेसिंग मशीन्स भी हुआ करती थी, ठीक है, कैसे हम वर्ड्स को प्रेस करते थे, ठीक है, किस तरीके से टूल्स हम लोग यूज़ करते थे, किस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती थी, फिर किस तरीके धीरे धीरे से आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है. सो दीज ऑल आर अबाउट लिटिल बिट लाइक यू कैन से इट्स अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्यूटर. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डज कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डेटा? सो आई विल लेट यू नो, कंप्यूटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डेटा. Now the question comes, how does computer represents data? So I will let you know, computer always represents data in the form of ones or zeros. Abhi ye 1 0 1 0 ye sab kya hai? I will let you know. You might be scratching your head at this point and will think, why do computers represent information in such a hard to read way? Yes, my dear student. So, and you can think in this way also, how can ones and zeros represent so many different things? That's what we will explore in this lesson. So to start off, that how does computer work? So for all this, that means this is a way of communication in the computer language, that is ones and zeros. अभी के लिए आपको यही समझना है कि ये केवल कंप्यूटर ones और zeros की ही लैंग्वेज को समझता है, as like कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो आप लोगों तक मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पा रही हूँ. इसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो वंस और ज़ीरोज़ को ही समझता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसने अपनी लैंग्वेज फिक्स कर रखी है. इसलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, से आई एम सेइंग ओला. थिंक व्हाट आई एम सेइंग हियर. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से बोल रही हूँ ओला, ठीक है. अभी अब जो समझते हैं जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला है ये. बट यस माय डियर स्टूडेंट, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताइए ओला का मतलब क्या होता है. टाइम ओवर. नाउ अभी मैं आपको बताती हूँ कि ओला दैट मीन्स ओके. चलो अभी मैं आपसे बोलती हूँ नमस्ते.
दैट मीन्स आप समझ गए, ओ ये नमस्ते बोल रही हैं, मीन्स दिस इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग. ओला वी कॉल इन स्पैनिश एंड नमस्ते वी कॉल इन इंडिया. ओके सो ओला नमस्ते. That how does computer work. So for all this, that means this is a way of communication in the computer language, that is ones and zeros. अभी के लिए आपको यही समझना है कि ये केवल computer ones और zeros की ही language को समझता है, as like कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो आप लोगों तक मैं अपना message communicate कर पा रही हूँ. इसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो वंस और ज़ीरोस को ही समझता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसने अपनी लैंग्वेज फिक्स कर रखी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. अभी क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा ये सीरीज़ बनाने के पीछे का या जो भी मैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ पर्पज़ ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मेरे वीडियोस पहुँचे. अभी देखिए, अगर मैं अपना मैसेज आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ और आप उस मैसेज को समझ गए और आपने जल्दी से शेयर कर दिया और जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि यस मैं आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज, वट एवर आई एम सेइंग हियर, आई एम सेइंग यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड इन द कमेंट बॉक्स यू हैव टू राइट यस आई एम अंडरस्टैंडिंग या आई गॉट योर पॉइंट. ओके सो दिस इज द वे ऑफ अ कम्युनिकेशन. तो अभी ये वंस और जीरोस अब ऐसे हम लोग डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द मैनी लैंग्वेजेस, जो कुछ जो कोर लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा, पाइथन, यू नो सी, सी प्लस प्लस, सो दीज ऑल आर द लैंग्वेजेस यू हैव टू नो. और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने वेब डेवलपमेंट की सीरीज शुरू कर दी है, वहाँ से भी आप कुछ कंटेंट निकाल सकते हैं और आप अपना मैसेज कंप्यूटर को दे सकते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ. सुनी मैं आपको एक एआई का जल्दी ही मैं एआई से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके सामने डील करने वाली हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. तो आप देखेंगे कि कैसे हम अपना मैसेज कंप्यूटर से कम्युनिकेट भी करा सकते हैं और वो आपको रिप्लाई भी करेगा. सो छोड़िए, खैर ये अभी की बात नहीं है, अभी मैं अपना ये कंप्यूटर से बनी हुई सीरीज़ पर ही फोकस करती हूँ. बट आपको प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स आगे जाके, आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री रिसोर्सेज आपको अवेलेबल मैं कराने वाली हूँ. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट आप ये वीडियोज़ को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ अभी तक हम ये समझ गए हैं कि मशीन्स क्या होती हैं, बट वॉट मेक्स अ कंप्यूटर अ कंप्यूटर्स, वी हैव टू फॉलो फोर स्टेप्स, टेक इनपुट, कीप स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. सो दीज फोर स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू मेक्स अ कंप्यूटर अ कंप्यूटर. ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वॉज स्टोर्ड इन अ मेमोरीज, इट इज कॉल्ड स्टोरेज, देन आफ्टर दैट प्रोसेसिंग, प्रोसेसर जस्ट यू नो मैनिपुलेट the information which was stored in our storage container and after that and ये जो processing है वो continue होती रहती है जब तक कि हमारा जो वो information होता है वो process होने के लिए या output कराने के लिए ready नहीं हो जाता है. So इस तरीके से ये process चलती रहती है. Now what are these? These are the examples of output. So कैसे हमने input लिया, किस तरीके से process किया, कैसे storage हुआ और output के form में output हमारा निकल के आ गया. So these are the some examples of output. Okay, it can be either in games form or in VR forms and in the form of robot as well. You know, so these are the four main parts of the computer, or we can connect our computer from one device to another device over the internet, as you can see, or vice versa. So the computer what we really using today, it's totally different from what we use. It is possible because regardless of different technology and you know like advancement of technology, whatever you will say, but aap dekhenge ki everyone is using the computer. So I hope main maan ke chal rahi hu ki aap koi bhi ye nahi bolega ki computer kya hota hai. Computer
डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, मुझसे जितना इजी वे में हो पाया मैंने करने की कोशिश की है, और मैं इसीलिए ये सारे आपको पहले ये टर्मिनोलॉजी मैंने सोचा इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं इस तरीके के टर्म यूज़ करूँगी कि कंप्यूटर होता है वो ज़ीरो एंड वन को ही समझता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से हम लोग यू नो डेटा को स्टोर कराते हैं, क्या मेमोरी होता है। ठीक है, डिटेल में वो भी मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, बट एज ऑफ नाउ एक जो आपको एक ब्रीफ आइडिया लेना था कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द सम एग्जांपल्स, सो यू नो लाइक बेसिक आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो गया अबाउट कंप्यूटर। बोलूँगी कि आज से आपको जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपके हाथ में आनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आई एम यूजिंग द कंप्यूटर। ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे कंफर्म या शो कर दिया है। एक्चुअली अब ये क्या होता है, इसकी डिटेल क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग देखिए एक लेक्चर में तो कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितना भी मुझसे मेरा बेस्ट हो पाएगा मैं आपको कंटेंट रेडी करके दूंगी, और बेसिकली एग्जांपल के साथ ही प्रैक्टिकल अप्रोच ही मेरी हर चीज़ में रहने वाली है, तो उसी तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। एज ऑफ नाउ मैं आपको लेट्स हैव अ लुक सम ऑफ द प्रोजेक्ट डन बाय मी विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ओवर यूट्यूब यू नो एंड विच इज़ totally free to use, so you can use it where I did how I can create the website in 4 to 6 minutes. yes my dear student, आप भी कर पाओगे, आप जाइए YouTube पे देखिए, मैंने वहाँ पे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। और प्लीज़ हाँ, जो कोई भी अगर पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो वो भी बता दीजिएगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं तो ग्राउंड लेवल से ही लोगों की हेल्प करना चाहती थी, बट अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही हैं, और स्टूडेंट्स हु रियली यू नो अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली वो बहुत ही यू नो यूज़फुल होती है नो डाउट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा डील करने को मिलेंगे, क्योंकि इधर मेरा स्टूडेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए मैं एक होता है ना एक लिमिट ही मैं आपको शो कर पाऊँगी कि इस तरीके से क्लासेस चलती हैं, इस तरीके से मेरे प्रैक्टिकल गाइड की अप्रोच होती है। बट वही जब आप पेड क्लासेस की बात करते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, बट मैंने यही सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो YouTube पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बट अगेन जो एक होता है ना कि ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसकी बात अलग होती है, वो भी ऑनलाइन ही मोस्टली स्टूडेंट लेना प्रेफर करते हैं, बट YouTube के अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट रेडी करना या रिकॉर्डिंग यू नो लेक्चर शो करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो मेरी क्लासेस में जिस टाइप का मैं मटेरियल या कंटेंट शेयर करती हूँ मैं पूरा का पूरा आपसे वही शेयर करूँ। सो व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज क्लास, नंबर वन, हाउ डज कंप्यूटर वर्क, जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। नंबर टू इज डेटा रिप्रेजेंटेशन बाय कंप्यूटर, इसके अंदर हमने देखा कि वंस और जीरोज के फॉर्म में कंप्यूटर हमसे बात करता है। नंबर थ्री इज कॉमन फोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नंबर फोर इज व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, सो दैट वर जावा पाइथन यू नो एंड C++, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। एंड इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ सबसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।